इस महीने 2 तारीख को एसआर नगर पुलिस स्टेशन पे एक मिसिंग केस का कंप्लेंट आया। वो जो मिसिंग नाम का आदमी है रमेश, ये 1 तारीख रात में 7:30 किसी दोस्त से मिलने के लिए बाहर गए, फिर 3 तारीख शाम तक नहीं आने के वजह से फैमिली मेम्बर्स वो मिसिंग कंप्लेंट दिए। वो मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर करके एसआर नगर पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन टेकअप करे। उसके बाद में 4th को ये जो आदमी मिसिंग आदमी है, ये इनका मर्डर हुआ जुबलिंग पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में जवाहर नगर कॉलोनी में। तो उसके बाद में वेरीफाई करने से ये पता चला कि जो मिसिंग आदमी रमेश के नाम का आदमी और एक राजू जो इनके घर में किराए को रहते थे, वो 2016 और 2017 में करीब दो साल ये राजू जो एक्यूज है उन्हीं के घर में रेंट को रहते थे। ये राजू इनके जो फाइनेंशियल कंडीशन है पूरे जानने के बाद, ये जो डिसीज्ड आदमी रमेश है इनके फैमिली मेंबर से कुछ बड़े रकम एक्सट्रॉट करने की प्लान बना के ये जो मर्डर का प्लान किया उसने। ये जवाहर नगर कॉलोनी जुबलिंग पुलिस स्टेशन लिमिट में एक रूम रेंट को लेके वहाँ पे ये रमेश डिसीज्ड को फर्स्ट नाइट को इनवाइट किया ड्रिंक्स के लिए। वहाँ आने के बाद रमेश और ये जो एक्यूज राजू नायक है, ये दोनों मिलके वहाँ पे दारू पिए। उसके बाद में दारू पीने के टाइम पे थम्स अप में ये जो एक्यूज्ड है राजू नायक, 2 स्लीपिंग टैबलेट्स भी वो ड्रिंक में मिला के उसको पिलाने की कोशिश किया और पिला दिया, आधा से ज़्यादा वो पी लिया। उसके बाद में वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उसको वहाँ पे जो हथौड़ी था उसके पास, वो हथौड़ी से सर पे मार के उसको इंजोर करके उसको मारने की कोशिश किया। और उसके आधे घंटे के बाद वो डेथ कन्फर्म करने के बाद उसके पास जो चेन था और रिंग, ये दोनों वहाँ से लेके चला गया। उसी समय रात में वो फैमिली मेंबर उसके जो डिसीज्ड आदमी है रमेश, उसके बहू को उसके मोबाइल पे एक मैसेज लाया कि दोस्त के साथ हूँ मैं, कल सवेरे घर आऊँगा करके मैसेज ला के वहाँ से ये चेन और रिंग लेके चला गया। ये इसका फैमिली, ये जो अक्यूज राजू नायक का फैमिली है वो मलकाजगिरी में, उसके वाइफ और बच्चों के साथ वहाँ वो एक घर में रेंट को रहता है। वहाँ जाने के बाद फिर रात में वहाँ था, नेक्स्ट डे फिर 3rd को आके वहाँ से ये जो पहले दिन वहाँ ये डिसीज का गाड़ी वहाँ पे था वो गाड़ी लेके चला गया। 3rd को दैट इज मंडे को ये मुझे फाइनेंस में ये जो चेन और रिंग है वहाँ पे प्लेच करके 1,39,000 वहाँ से लेके फिर वो तो कुछ खर्च किया उसमें। उसके बाद में 3rd उसी दिन फिर वापस आके एक चाकू और उसके वाइफ के साथ आके आते समय मोंडा मार्केट में वो डिस्पोजेबल बैग्स लेके आया। फिर बाद में उसको पूरा पार्ट्स करके डिस्पोज करने की प्लान किया उसने। आने के बाद 2 हाथ काट के उसमें वो जो बैग लेके आया डिस्पोजेबल बैग उसमें रख के, फिर बाद में जो ज़्यादा बदबू आ रहा था उसके वजह से उस और बॉडी पार्ट्स कट नहीं कर सका, वहाँ छोड़ के फिर वो ताला डाल के चला गया। उसके बाद में इन्फॉर्मेशन मिला कि बाजू घर से ये इस घर में बाजू वाले कुछ कंप्लेंट किए कि बहुत बदबू आ रहा, उसमें पुलिस को इन्फॉर्म करे तो जाके देखे तो ये बॉडी वहाँ से बरामद हुआ, ये डेड बॉडी। उसके बाद में इन्वेस्टिगेट करे तो ये राजू नायक जो है उसको अरेस्ट करके आज उसके घर से मलकाजगिरी, इसके पास डिसीज्ड के 2 सेलफोन और जो इसने जिससे वो हत्या किया वो हैमर और चाकू उसके पास से रिकवर करे,
और ये जो मुथूत में फाइनेंस में प्लेज किया चेन और रिंग भी वहाँ से रिकवर करे, उसको आज अरेस्ट करके रिमांड करें। उसका इंटेंशन मर्डर था कि पैसा हड़पना था? नहीं, इसका इंटेंशन पूरा प्री प्लान मर्डर था। ये मर्डर इसको बुला के, इसको दारू पिला के, उस मर्डर करके, मर्डर करने के बाद दो फैमिली मेंबर्स से डिमांड करने की इसकी पूरी प्लान थी। उसी के जो प्लान किया उसी हिसाब से पूरा डिमांड करा सभी क्या? ये तो 90 लाख डिमांड करा मैसेज में, 90 लाख। रेस्टिल तो स्लीपिंग टैबलेट्स है, वो ओवर द काउंटर मिलता है, वहाँ से खरीदा।